तो गाइस एक न्यूज़ फिर से निकल के आ चुकी भाई कि आज जो है सेकंड राउंड में भी हार गया। मतलब भाई पहले राउंड की पहले आई थी कि पहले राउंड में हार जाएगा स्टीवन से, लेकिन उसकी न्यूज़ जो है तो र्यूमर निकल गया था। लेकिन इसके तो भाई 60% कन्फर्म हो गया कि सिंथिया से आज हार ही जाएगा, लेकिन इतना भी कन्फर्म नहीं है तो इसी के बारे में बात करेंगे भाई। पहले स्टीवन के बारे में र्यूमर निकल के आ रहे थे, अब सिंथिया के बारे में बात निकल के आ रही लीक, अब उसके बाद लियोन के बारे में निकल के आएगी। तो भाई पहले मैं इसी के बारे में क्लियर करता हूँ आपको आज इसी वीडियो में। तो गाइस पहले बात कर लेते हैं जो अभी मुकाबला होने वाला है अभी 8 जुलाई को लैंस वर्सेस डायंथा का। तो भाई इसमें 100% कन्फर्म हो चुका है कि डायंथा जीतेगी, लेकिन वो कब जीतेगी, कैसे जीतेगी, कौन कौन से पोकेमॉन जीतेगी, कैसे फिनोमिना इस्तेमाल करके जीतेगी, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऐश वर्सेस सिंथिया के बारे में। तो गाइस मैं बता दूं, जैसे कि पहले निकल के आया था ऐश वर्सेस स्टीवन में कि स्टीवन जो है वो जीत जाएगा, ऐश हार जाएगा। तो भाई ये भी एक रूमर था यार, क्योंकि ऐश को इतनी जल्दी तो हरा नहीं देंगे। अब बात निकल के आ रही सेमीफाइनल की, सेमीफाइनल की जो बात निकल के आ रही है कि सिंथिया जीतेगी, भाई इसके चांसेस हैं, लेकिन यार इतने चांसेस नहीं है भाई। ये सब के सब रूमर निकल के आ रहे हैं भाई कि भाई सिंथिया जीत जाएगी, ऐश हार जाएगा, स्टीवन जीत जाएगा, ऐश हार जाएगा। भाई ऐसा होना ही नहीं है यार, क्योंकि जो सिंथिया है वो गार्चॉम मेगा कर रही है आयरिस के मुकाबले में, फिर वो ऐश के मुकाबले में नहीं करेगी, ताकि ऐसा दिखाया जाए कि उसका सिंथिया का गार्चॉम मेगा इवॉल्व नहीं हुआ था इसलिए ऐश ने हरा दिया डार्कनाइट से। एक एक्सेप्शन डाल ही देते हैं पोकेमॉन वाले, इसीलिए जो है सिंथिया नहीं जीतनी है ऐश से। ये तो भाई कंफर्म हो ही चुका है, क्योंकि एक पोस्टर भी निकल गया था जिसमें ऐश वर्सेस लियोन जो है फाइनल में खड़े बैटल कर रहे हैं। तो गाइस अब आपको पता चल गया होगा कि सिंथिया जो है नहीं जीतनी, क्योंकि सिंथिया को हराया तो है नहीं वैसे लेकिन एक बार भी, लेकिन इस बार सिंथिया हारेगी भाई। ऐश फाइनल में जाएगा लियोन से लड़ने और पहली बार सिंथिया किसी से हारने वाली है। तो ऐश टॉप टू ट्रेनर तो हो ही गया अब, लेकिन लियोन को हराना भी ऐश का बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लियोन का हारना बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन लियोन हार भी सकता है ऐश से। तो अब इसके बारे में दोबारा बात करेंगे कि लैंस वर्सेज डायंथा का जो 100% मैच है वो कैसे होने वाला है, कौन कौन सा फिनोमिना से होने वाला है। चलिए वीडियो अब एंड करते हैं।